एक लाख रुपए की अंगूठी के बदले थमा दिए गए इस बुजुर्ग को ये दो बज्जर। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिन दिहाड़े फर्जी पुलिस वाले ने इस व्यक्ति को लूट लिया। इसे ये कह दिया कि चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप एक कागज के अंदर अपनी दोनों अंगूठियां रख लीजिए ताकि आप सेफली घर पहुंच सके और मैं एक पुलिस वाला हूँ। जिसके बाद इन्होंने विश्वास किया और इनको एक लाख रुपए का चूना लग गया। क्या कुछ पूरा मामला है आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आया, उसने कहा अंकल जी रोको गाड़ी। मैंने रोक ली, कहते छाँव में करो, मैं छाँव में कर ली। कहते जी मैं पुलिस वाला हूँ और आजकल चोरी बहुत हो रही है, आप सुमेर सिंह को जानते हो? मैं कहा कौन सुमेर सिंह, मैं तो नहीं जानता। कहने लगे अभी जीटी रोड पे उसका 50,000 रुपये और सोना लूट लिया। तो ये गुंठी आपने चेन पार की? वहाँ चेन तो मैं पाता ही नहीं। कहते गुंठी पार की ना? कहते हाँ। कहते इसको उतारो और आपको मैं ये कागज़ देता हूँ, इसको जेब इस कागज़ में रख दो। मैंने कागज़ में रख दी। कहने लगे रुमाल है आपके पास? मैं हाँ है। कहते रुमाल में रख दो और जेब में पालो। मैंने जेब में पाली, मैं घर जाके देखा तो उसकी गुंठी की जगह जो है ना दो पत्थर सी ये पत्थरियाँ निकली। दो अंगूठियाँ ले गया और ये पत्थरियाँ आपको दे गया। हाँ, आपने सोचा अंगूठियाँ हैं? हाँ। तो कौन कौन सी अंगूठियाँ थी आपकी? एक तो डायमंड की थी और एक गोल्ड की थी, उसमें पन्ना लगा हुआ था। अच्छा, तो कितने की होंगी? लाख रुपए की तो होंगी। एक लाख रुपए की। तो अभी आपने सुना किस तरीके से इस बुजुर्ग को जो है एक फर्जी पुलिस वाले ने दिन दिहाड़े लूट लिया और इनके हाथों में जो है दो बज्जर थमा दिए, एक लाख रुपए की इनकी अंगूठी को शरेआम जो है लूट लिया गया। आईजी ऑफिस के बिल्कुल सामने से जो है इनके साथ लूटपाट होती है, किस तरीके का मामला जो है हरियाणा के करनाल से निकल कर सामने आया। आपसे अपील करेंगे इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि किसी के साथ भी इस तरह का बड़ा हादसा ना हो। दो अंगूठियां इनकी कोई ठगी करके लेगा पहला इन्होंने बताया है। इन्होंने तो लोगों से अपील करेंगे ऐसे जान से में ना आए लोगों के जो ऐसे तो सब कुछ बता रहा हूँ मैं मौके पे भेज रहा हूँ जी। और एक एक व्यक्ति के बता रहे और भी कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी आया हमारे पास। ये बुजुर्ग आए हैं नहीं कोई अभी आए हैं एक मिनट पहले। तो क्या कार्रवाई होगी इनके मामले में? मुकदमा दर्ज करेंगे अभी, इनको दरखास्त लेके मुकदमा दर्ज। जो शातिर बदमाश इनकी ठगी करके पकड़ेंगे जी। कोई सीसीटीवी वगैरह भी खंगाले जाएंगे उसके लिए? सारी चीज़ें करेंगे जी, जो भी कार्रवाई बनेगी ये मुनसर कार्रवाई करेंगे। तो आम आदमी क्या कहें, जैसे इनके साथ ठगी हो गई है ऐसे झांसे में ना आए? हाँ, लोगों को समझाना तो हमारा फर्ज है जी, कोशिश यही करते हैं भाई किसी की ऐसे ना हो किसी। इनको भी बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ और अपनी अंगूठियाँ उतार के दे दो। और कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, सिविल में था। बिल्कुल। अब ये बुजुर्ग करनाल के थाना सेक्टर 32 तहसील जहाँ पर आपको बता दें और पुलिस का कहना है कि जो बदमाश है जहाँ पर आपको बता दें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ठगी हो जाती है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एक बुजुर्ग को जो है दिन दिहाड़े लूट लिया गया। लूटपाट का जो ये मामला है बड़ा ही संगीन और हैरान कर देने वाला है। किस तरीके से एक बुजुर्ग से जो है ये कहकर कि चोरियां बहुत ही बढ़ती जा रही हैं, उनसे जो है जो अंगूठी थी वो ले ली जाती है और साथ में जो है एक कागज के अंदर दो बज्जर जो है वो लपेट कर दे दी जाती है। जिसके बाद जो है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब घर जाके देखते हैं तो अंगूठी की जगह दो पत्थर जो कि छोटे छोटे बज्जर टाइप के पत्थर थे वो निकलते हैं, जिसके बाद ये बुजुर्ग परेशान हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि थाना 32-33 में वो पहुंची है शिकायत करने के लिए, शिकायत भी की जाएगी उनके द्वारा। लेकिन तब तक के लिए आपसे अपील करेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, क्योंकि इस तरह के चोर जो है करनाल शहर में घूमते हुए ज़रूर नजर आते हैं। बताया ये जा रहा है कि नौजवान लड़का था जिसके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो है आपने मामला सुना है, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ सोनम, आप देख रहे हैं बोर्ड न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।